हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल जेके विजन पर। दोस्तों, हमारी दुनिया में एक कुल 1.4 देश हैं, एक से एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव कंट्रीज। इन देशों के तस्वीरें देखकर हमारा मन करता है कि बस एक बार इस देश में घूम कर आऊं। लेकिन वहां जाने के लिए आपको वीजा बनवाना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी चेक में ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब कई देश तो ऐसे हैं कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा इसीलिए प्रोवाइड करती है, लेकिन वहीं कई देश ऐसे हैं जो वीजा आसानी से नहीं देते हैं, या यूं कह लीजिए कि देते ही नहीं है। लेकिन ये देश कहां-कहां से है, तो चलिए जल्द से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन देशों की सफर पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि इन देशों में जाने के लिए वीजा लेना इतना मुश्किल क्यों है। अब कई देश तो ऐसे हैं जो कई राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करते हैं, मतलब कोई जासूस वासू ना घुस जाए देश में, इसलिए वो ऐसे होते हैं जहां वीजा एप्लीकेशंस को नेविगेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, जबकि कुछ देश अपने दुश्मन देश के लोगों को आने से रोकने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें बाकी मासूम लोग भी पिस जाते हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। नंबर वन इस रूस। इन दिनों यूक्रेन के साथ दो दो हाथ कर रहे रूस की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ आपको सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को सहित कई खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी। हर साल लाखों लोग रूस में जाने के लिए वीजा को अप्लाई करते हैं, पर अफसोस कि उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिनका वीजा अप्रूव होता है, बाकी सबका रिजेक्ट। लेकिन अगर आप बहुत जिद्दी हैं तो जान लीजिए कि रूस जाने के लिए आपको बहुत पापा बेलने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपको यहाँ का वीजा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि वीजा के लिए फॉर्म भरना होता है। अगर आप इंडियन हैं या किसी और देश से हैं तो चलो आपको कुछ छूट भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप अमेरिका की सिटीजन हैं तो समझ लीजिए कि वो सवालों की बौछार घड़ी कर देंगे, वो आप पर ओले बन के गिरेंगी। मतलब क्वेश्चन डबल, फीस ज्यादा, शिकवाली नजरे और इधर उधर घूमना, कहाँ रहे, कैसे रहे, सब कुछ आपको बताना होगा। अगर कुछ भी मिस हुआ तो वीजा रिजेक्ट, और अगर आप किसी तरह वीजा अप्रूव करवाने में सफल भी हो जाते हैं तो रूस आपका दिल खोलकर स्वागत करेगा। रूस की बात की जाए तो ये वो देश है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। रहने के लिए ये देश सबसे सेफ और खूबसूरत है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया। उन्हें नॉर्थ कोरिया का वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं माना जाता। वीजा मिलने से पहले तक आपसे तरह तरह के सवाल तलब किए जाएंगे, और अगर आप सभी पड़ाव पाकर वीजा पा भी लेते हैं तब भी यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते, न ही आप यहाँ के लोकल लोगों से बात कर सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया के शासक यानी किम जोंग उन के बारे में कुछ भलक भी नहीं बोल सकते, वरना उठा के फेंक दिए जाओगे। साथ ही साथ आप अपने आप से इधर उधर नहीं घूम सकते और होटल को अपने आप ही नहीं छोड़ सकते। इतनी सारी पाबंदियों के बाद भी अगर आप उत्तर कोरिया के शहर पर जाना चाहते हैं तो आपकी जज्बे को हम 21 तोपों की सलामी देते हैं। बात बात चाइना, अरे ये क्या चाइना भी इस लिस्ट में शामिल है, यही सोच रहे हैं ना आप तो चौंकिए मत, क्योंकि ये सच है कि चाइना का वीजा लेना भी हलवा बनाने जितना आसान काम नहीं, बल्कि चाइना जाने के लिए टूरिस्ट वीजा लेना तो उत्तर कोरिया और रूस से भी ज्यादा टेरिकी है। 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ चाइना दुनिया में नंबर वन देश है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर वन इस देश की जनता इन दिनों खतरे में चल रही है। खैर, मुद्दा है वीजा का तो लोग चाइना में घूम चुके हैं, उन्हें पता होगा कि चाइना एक तरफ बेहद खूबसूरत है तो दूसरी तरफ काफी डर्टी फैन होगी, पर फिर भी यहाँ की खूबसूरती कमाल की है। लेकिन वीजा मिले तब ना, क्योंकि इस वीके से देश का वीजा प्राप्त करना खीर बनाने जितना आसान नहीं, ये प्रोसेस काफी लंबा है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पासपोर्ट है उससे काम हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं जनाब, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पासपोर्ट हो रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे के लिए ही घूम सकते हैं, उसके बाद उन्हें वीजा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वीजा अप्लाई करने से पहले आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि चीन में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अक्सर इसी तरह के सवालों से हार कर लोग चीन जाने का सपना तोड़ बैठते हैं। इस देश में यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादातर लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के मन में भी डर बैठा हुआ है कि कोई जासूस ना आ जाए, या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि चाइना दुनिया के सबसे बड़ी पावर बनना चाहता है, तो इसके लिए वो तिकड़मबाजी करता ही रहता है। साथ ही चाइना के टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है, तो शायद इसी हब को सुरक्षित रखने के लिए भी चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा करती है। वैसे आप चीन की बात हो रही है,
तो चलिए इस देश के कुछ अजीबोगरीब किस्से भी आपको बता दे। तो चीन एक ऐसा देश है जहां के अमीर गरीबों को अपनी जगह जेल भेज सकते हैं। मतलब खुलम खुला इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज्यादा चीन में है। और चीन में एक ऐसी वेबसाइट भी है जिस पर गर्लफ्रेंड उधार मिलती है, और अगर गलती से परमिशन मिल भी जाती है तो यहाँ उन्हें एक गुलाबी कार्ड दी दिया जाता है, जो दूसरे देश से आए लोगों को दिए गए ग्रीन कार्ड से बिल्कुल अलग थलग सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुलाबी कार्ड ये बताएगा कि आप अमेरिका से हैं, जिसके बाद आप पर निगरानी रखी जाएगी, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है। बिल्कुल वैसे ही आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर जरा सा भी डाउट हुआ तो तुरंत आपसे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। असल में क्यूबा शुरू से ही अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता रहा है। इस वजह से साल 1965 से ही अमेरिका ने अपने सिटीजन्स पर क्यूबा जाने पर बैन लगा दिया, जबकि दोनों देशों के बीच कुल दूरी महज 145 किलोमीटर की है। वैसे बता दे कि ये देश काफी सेफ है, जो अमेरिका के सिवा बाकी सभी देशों के टूरिस्ट्स को अच्छी फैसिलिटीज देता है, बशर्त है कि आप वीजा के लिए अप्लाई करने के दौरान होने वाले सभी परेशानियों और मगजमारी को झेल पाए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्यूबा बहुत अच्छा लगेगा। क्यूबा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो ये वो देश है जहां 15 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना जरूरी होता है, और यहां के स्कूल में हर क्लास में अलग अलग रंगों की यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। करेबियन देशों में देखें तो क्यूबा की आबादी सबसे ज्यादा है, जो करीब 1,15,00,000 है। देश की 75.5% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, तो वहीं बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में 100,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ क्यूबा बहुत छोटा और प्यारा सा देश है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड इन क्यूबा में ही पाया जाता है। क्यूबा में घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है, जो आपकी टूर को एक यादगार क्यूबा टूर बना सकता है। इस देश में यूनेस्को की 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। चलिए अब बात करते हैं उस देश की जहां का वीजा पाना कुत्ते की दुम सीधा करने जितना मुश्किल है, ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान ही वो देश है जहां का वीजा लेना सबसे टॉफेस्ट काम है। 1,648,195 किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल को कवर करने वाले इस देश में करीब 86,658,304 आबादी रहती है। ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पारसी, और मुचना है ईरानी रियाल। तेरेन जैसी बेहतरीन कैपिटल सिटी वाले ये देश सऊदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इस देश के फेमस होने के पीछे कई वजह हैं, जिनमें से एक है इसका प्राचीन इतिहास। माना जाता है कि ईरान का इतिहास 4000 ईसा पूर्व का है, लेकिन ऐसा खूबसूरत देश का दीदार आप तभी कर पाएंगे जब आपको यहाँ का वीजा मिल पाएगा, क्योंकि ईरान के लिए वीजा अधिकतर प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक वेरिफिकेशन कोड की जरूरत पड़ती है, और ये कोड रास्ते में खेलते कुत्ते नहीं मिलता, बल्कि ये कोड ईरान में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन एक आधिकारिक ईरानी ट्रेवल्स एजेंसी को आपके तरफ से उस कोड के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि इन वीजा के यूज की वजह से ईरान के लिए टूरिस्ट वीजा की प्रक्रिया अब थोड़ी आसान कर दी गई है। इसके अलावा कई देश अब वीजा ऑन अराइवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन देशों से हैं तो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है। कौन से देश, चलिए बताते हैं। तो इन देशों में शामिल हैं अमेरिका, यूके, कनाडा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कोलंबिया, इंडिया, इराक, जॉर्डन, नेपाल, पाकिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका। बाकी कई ऐसे देश भी हैं जहां के सिटीजन्स को ईरानी आसानी से वीजा प्रोवाइड करवाता है। वेल, ये देश बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए यहां लगभग हर कोई जाना चाहता है पर जा नहीं पाता। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या आप जाना चाहते हैं ईरान या इनमें से किसी भी देश में आप गए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।